दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है, स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि BSNL ये कंपनी आप सभी को कितना फायदा दे रही है। दोस्तों BSNL का एक नया प्लान आया है जिसमें कीमत आप सभी को पे करनी है ₹74 और वैलिडिटी दोस्तों एक दो नहीं बल्कि 6 महीने तक है। आधे साल की वैलिडिटी ₹74 में कैसे पॉसिबल की BSNL ने, आइए इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मैं शेयर करता हूँ। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुफ्त उठाते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार करता हूं आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आप सभी के इस आशीर्वाद के बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैंने कल एक नया चैनल शुरू किया था प्रवीण महुलियार नाम से और मात्र 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर दोस्तों उस पर 30,000 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। बिल्कुल सही समझे दोस्तों, 30,000 सब्सक्राइबर्स 24 घंटे के अंदर, ये करीब करीब रिकॉर्ड तोड़ है। हमारे इंस्पिरेशन टेक्निकल गुरु जी ने दोस्तों एक चैनल शुरू किया था गौरव चौधरी नाम का, उनके एक दिन में 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, मेरे 30,000 ही हो गए। तो दोस्तों इस पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए इस चैनल पर भी और उस चैनल पर भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, वहाँ पर्सनल बातें होंगी। वापस से दोस्तों न्यूज़ पे आए तो BSNL ने एक मिनिमम रिचार्ज की पॉलिसी लाई है आप सभी के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एयरटेल ने, वोडाफोन ने, आइडिया ने आप सभी के लिए ले आया है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन आप सभी से चार्ज कर रहे हैं ₹35 प्रति महीना। ना 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 ना, 35 नहीं दोस्तों, ₹49 ये चार्ज कर रहे हैं। अभी प्लान की कीमत बढ़ी है और मिनिमम रिचार्ज 35 से 49 हो चुका है। और दोस्तों आप सभी को अगर अपना नंबर चालू रखना है, इनकमिंग कॉल रिसीव करनी है या फिर बैंक की OTP वगैरह चाहिए या फिर जरूरी मैसेजेस चाहिए, मान लीजिए आपको रिचार्ज नहीं कराना, बस ये काम करना है, तो पहले इसके लिए ₹1 नहीं देना पड़ता था, पर अब आप सभी को ₹49 देना पड़ेगा मिनिमम, नहीं तो आपका नंबर ही बंद कर देंगे। और दोस्तों ₹49 में आप सभी को ₹35-40 का टॉक टाइम भी मिलता है और वैलिडिटी केवल 1 महीने की होती है। पर यहां पर BSNL ने एक पॉलिसी ले आई है जिसकी कीमत है दोस्तों ₹74 और आप सभी को यहां वैलिडिटी मिलती है दोस्तों टोटल 180 दिनों की, मतलब कि 6 महीने की। इसमें दोस्तों आप सभी को 2GB डेटा भी मिलता है, उस 2GB डेटा का इस्तेमाल करिएगा आप और देखिएगा आपके यहां नेटवर्क अच्छा आता है या फिर नहीं, स्पीड अच्छी चलती है इंटरनेट की या फिर नहीं। और अगर अच्छी स्पीड चलती है दोस्तों तो आप BSNL में रिचार्ज भी कराइए, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा। तो 2GB का पैक आप एज अ ट्रायल ले सकते हैं। और बात करें कॉलिंग की, तो यहां पर आपको 100 मिनट दोस्तों कॉलिंग भी मिलेगा, तो कॉलिंग भी पर्याप्त ही है, उसका इस्तेमाल कीजिए आप, 100 मिनट इस्तेमाल कीजिए। जियो की बात करें तो जियो में अभी मिनिमम रिचार्ज की पॉलिसी नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि कई दिन तक अगर रिचार्ज ना कराओ तो जियो का नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है, वापस से एक्टिवेट कराना पड़ता है। मिनिमम रिचार्ज हो सकता है जियो में आए, अभी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल के लिए BSNL ने अच्छा प्लान लाया है और सबके मुंह पे एक तमाचा मार दिया है। दोस्तों BSNL के प्लान्स काफी लुभावने आ रहे हैं, अट्रैक्टिव आ रहे हैं, कोशिश हो रही है उभरने की, जल्दी 4G भी आ जाएगा पूरे देश में, कई सर्कल्स में आ भी चुका है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि BSNL की ओर रुख मोड़े, कल को BSNL भी गलत करेगा तो मैं कहूंगा भी कि BSNL गलत कर रहा है बेबाक तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों अपना प्यार और साथ बनाए रहिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभी के लिए दे मुझको इजाजत।